नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम खास न्यूज लेकर आए हैं। जी हाँ, जहां सभी ऑपरेटर्स ने मिलके और ट्राई पे के पास कंप्लेन दी थी और ट्राई ने लगा दिया फुल स्टॉप जियो के समर सरप्राइज ऑफर पे, लेकिन जियो ने निकाल ली उसकी तोड़। अब जियो ने लॉन्च कर दिया अपना दे धनाधन ऑफर। जी हाँ, जियो ने उस का समर जो सरप्राइज ऑफर है वो अपने यूजर्स को देना ही देना है, ये ठान लिया है। तो उसके तहत वो अभी जो अपना जियो का दे धनाधन का जो ऑफर लेकर आया है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन जो चीज वो समर सरप्राइज ऑफर में दे रहा था वही अब भी देगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले उन मेंबर्स के लिए जो ऑलरेडी प्राइम मेंबरशिप ले चुके हैं उनके लिए किस तरह से ये ऑफर वैलिड होगा। अगर आपने 99 रुपीस दे के प्राइम मेंबरशिप जियो की ले रखी है तो वहां पे आपको अगर 1 GB डेटा चाहिए है तो आपको अभी 303 रुपए का रिचार्ज ना करके 309 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा और आपका वही समर सरप्राइज जो ऑफर की वैलिडिटी है वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। वही जो है अभी 499 का जो की जगह पे आपको 502 का करना पड़ेगा और आपका जो है ऑफर जो समर सरप्राइज ऑफर है 2 GB के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आपने अभी तक जो है नहीं लिया है जियो प्राइम मेंबरशिप भी नहीं ली है तो उन यूजर्स के लिए अब आपको 99 प्लस 309 का रिचार्ज करना पड़ेगा। वहां आपको 1 GB की वैलिडिटी जो पर डे डेटा यूज करने का है वो 1 GB मिल जाएगा और अगर आप 2 GB वन पर डे लेना चाहते हैं वहां आपको 99 प्लस 509 का रिचार्ज करना पड़ेगा तो आपको 2 GB पर डे मिल जाएगा। प्राइम मेंबरशिप जिन्होंने पहले ले ली थी और जो अब लेंगे उनमें सिर्फ यही फर्क रहेगा कि जो ऑलरेडी ले चुके थे प्राइम मेंबरशिप और रिचार्ज अभी करवा रहे हैं उनको मिलेगी 90 डेज की वैलिडिटी और जो लोग अब प्राइम मेंबरशिप लेके और रिचार्ज करवा रहे हैं उनको सिर्फ 84 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। वहीं अगर जियो की वेबसाइट पे अगर आप इस चीज को रिचार्ज कराने की अगर जाते हैं तो वहां आपको 309 रुपए वाला जो प्लान है वो 349 रुपीज का दिखाई देगा और वहीं अगर आप 509 वाला जो प्लान है वो आपको 549 वाला दिखाई देगा। आपको उन दोनों प्लान को सेलेक्ट करना है जो भी आपको चाहिए है। वहां जैसे ही आप आगे प्रोसेस करेंगे पेमेंट के लिए तो वहां जो जियो है ऑटोमेटिकली उनका जो प्रोसेस है वो आपको ₹40 का डिस्काउंट दे देगा। तो आपके लिए जो 349 है वो 309 में ही की ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और जो 549 वाला प्लान है उसमें आपको 509 की ही जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, अगर आपको कुछ भी क्लेरिफिकेशन चाहिए है तो नीचे कमेंट में लिखिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ लेटेस्ट अपडेटेड और टेक वीडियोज़।